नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29th अप्रैल 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। करना क्या होगा दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी आपको यहाँ पर काम करना होगा। आप लोगों को प्ले स्टोर में जाकर, जी हाँ बिल्कुल, प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको अविजन इंस्टीट्यूट बोलकर चैनल को सर्च करना होगा। और जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, एक ग्रुप आपको मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है, राइट। वहां पर आपको सभी तरीके की नोटिफिकेशन दे दी जाती है, पैटर्न रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, कोई भी नई वैकेंसी आती है उसके रिलेटेड, तो सारी जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम रहेगा आपका avision.co.in। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, avision.co.in पर आप लोग जाइए, विजिट करिए, वहां पर आप रजिस्टर करवाइए, क्योंकि वहां पर आपको डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए या फिर वन लाइनर्स के लिए दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ रजिस्टर करवाना है। और ध्यान रखना है, रजिस्टर करवाते समय US20 कोड का इस्तेमाल करें, ताकि आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट वहां पर अवेल करवा दिया जाए, ठीक है। किसी भी कोर्स के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट ऑन प्राइस मिल जाएगा, और ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडमिशन्स के लिए दोस्तों वैलिड रहेगा। तो ये थी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खुशखबरी है जो आपके साथ हमें शेयर करनी है, कि हम लोगों ने अपना कंबाइन कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, कंबाइन कोर्स यहाँ पर लेकर आ गया है आप लोगों के लिए अविजन इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपको बैंक और एसएससी की फुल डिटेलिंग दी जाएगी, कोर्स की, सिलेबस की, और सब कुछ। तो सर, दोस्तों घर बैठे इस सिचुएशन में, इस कोरोना पैंडेमिक की जो सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही है, तो इसके लिए घर बैठे ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर से जाकर अविजन इंस्टीट्यूट का ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। 250 से ज्यादा लाइव लेक्चर्स रहेंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होंगे, प्रीवियस पेपर का डिस्कशन होगा, और साथ ही साथ आपको हैंडआउट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी अगर चैप्टर खत्म होता है, खत्म होने के बाद उसका हैंडआउट्स आपको तुरंत ही टीचर्स के द्वारा दे दिया जाएगा। अब इस कोर्स का फी जो आपका रहेगा वो मात्र रहेगा 2499 रुपए, ठीक है, 2499 में ये पूरा कोर्स आप लोग अपने घर पर बैठकर अवेल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था पूरा जानकारी जो हमें आपको देनी थी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और जानकारी हम आपको इसके ऊपर ब्रीफली दे देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। वॉट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2021 एंड 2022। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है बेसिकली कि यहाँ पर एस्टिमेशन GDP ग्रोथ कितना है इंडिया का फॉर द ईयर 2021 एज पर द ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स, राइट। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास 10.7%, 10.5%, 10.2%, 10.1%, 11.1%। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10.20%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2022 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 10.2%, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर का GDP ग्रोथ है, ठीक है, उसको किया गया है कितना, तो उसको यहाँ पर आपका रखा गया है 10.2%। पूरी इसकी बात पढ़ेंगे। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स ऑन वेडनेसडे रिवाइज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर ईयर 2021 10.2% for the earlier 8.8%. Citing reading COVID-19 risk and the shift in the monetary policy outlook, it further said that the budget 2021 or 2022 will create positive externalities for the private sector, forecast slower fiscal consolidations and then government projections, right? So, yahan par simple si baat jo aapko dhyan rakhni hai, wo kya rakhni hai, ki yahan par jo
ऑक्सफोर्ड के द्वारा आपका क्या किया गया है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो आपका फोरकास्ट किया गया है जीडीपी ग्रोथ को, वो कितना किया गया है, 10.2% किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, और क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। द शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज रिसीव्ड द लाइसेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट टू बिगिन ऑपरेटिंग एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेट करने के लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ता है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये बात हमें पता है। आपसे पूछता है कि कौन से सेक्शन के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास, सेक्शन 22(1), सेक्शन 26(1), सेक्शन 28(1) और सेक्शन 24(1). हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 22(1). तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 22(1) पर आपको क्या मिलता है, ये लाइसेंस मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक को चालू कर सकते हैं, उसकी जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म किया जा सकता है इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, एक होता है आपका पेमेंट बैंक और एक आपका होता है क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों को ही लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22 के अंडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को ही लाइसेंस मिलता है आरबीआई एक्ट सेक्शन 22 के अंदर। आगे बात करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग लेते हैं। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बिगिंस ऑपरेशन, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बेसिकली ऑपरेशन क्या कर दिया है, बिगिन कर दिया है। अच्छा, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक हैज कमेंस्ड ऑपरेशन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 26, 2021। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी होगी ये बात कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो उसने क्या कर दिया है, चालू कर दिया है अपना काम। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो शिवालिक है, ये शिवालिक पहले एक कोऑपरेटिव बैंक था दोस्तों, और अब वो किस में चेंज हो गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने उसको क्या दे दी है, परमिशन दे दी है, लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, अच्छा, इट इज द फर्स्ट यूसीबी विच वॉज माइग्रेटेड टू द न्यू प्लेटफॉर्म ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक डिस्पाइट फेसिंग ऑपोजिशन ऑफ यूसीबी फर्टिलिटी। एज ₹2,000 करोड़ बैंक, शिवालिक नाउ एम्स grow 3 times for the 6,000 crore in the time length for 4 years. The CEO Suvir Kumar Gupta quotes PTI, Uttar Pradesh based bank has 31 branches and 57 ATMs. तो आज की तारीख में दोस्तों इसकी 31 ब्रांच है और 57 ATMs आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड हो चुकी है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, अंडर द सेक्शन 2020 clause 1, राइट, अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। द सबमरीन KRI नंगाला विच वेंट मिसिंग रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडोनेशिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये बात आप लोग इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी होगी। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं। मिसिंग इंडोनेशियन नेवी सबमरीन KRI नंगला फाउंड स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द सी बेड। द इंडोनेशियन नेवी सबमरीन KRI नंगला 402 दैट वेंट मिसिंग ऑन 21st of April 2021 इन द वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ बाली आइलैंड्स इज रिपोर्टेड टू बी फाउंड स्प्लिट इनटू 3 पीसेस ऑफ सी बेड एट द डेप्थ ऑफ 850 meters। इंडोनेशियन मिलिट्री लीडर्स डिक्लेयर्ड दैट KRI नंगला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द हल ऑफ द शिप, द स्टर्न ऑफ द शिप, द मेन पार्ट्स व्हिच वाज फाउंड क्रैक्ड एंड ऑल द 53 क्रू अब्रॉड सबमरीन व्हिच वाज कंफर्मड डेथ। तो यहाँ पर दोस्तों एक इंडोनेशियन सबमरीन यहाँ पर लॉस्ट हो गई थी बहुत साल पहले, इवन 48-50 years ago, और अब जाकर उसके टुकड़े मिले दोस्तों, 3 पार्ट्स में उसको फाउंड किया गया है सी के अंदर। ऑल द 53 मेंबर्स व्हिच वाज देयर इन दैट सबमरीन उनको डेथ घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली 50 साल पानी के अंदर रहकर तो दोस्तों डेथ होनी ही है, ये बात भी आपको पता ही होगी, राइट। 3 कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड था, हल ऑफ द शिप में था, स्टर्न ऑफ द शिप में था, एंड द मेन पार्ट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो सबमरीन थी वो किससे को, कौन सी कंट्री को बिलोंग करती थी दोस्तों, तो ये आपको बिलोंग करती थी किसको, इंडोनेशिया। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ, यहाँ पर एक बार मार्क कर लेते हैं हम लोग जी, यहाँ पर
ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस फॉर द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर सिप्री एक्सपेंडिचर जो है उसका डेटाबेस के हिसाब से 2020 के हिसाब से जो रैंक है वो किस क्या रखी गई है मिलिट्री की, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर सिप्री का फुल फॉर्म जान लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सिप्री का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। तो सिप्री का फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास सेकंड, सिक्स्थ, फिफ्थ, थर्ड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थर्ड। तो दोस्तों इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2022, इंडिया के मिलिट्री को थर्ड हाईएस्ट बोला गया है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बता दूं कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगा सबसे पहले वो आएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। दूसरा आपका आएगा यहाँ पर चाइना, तीसरा आप लोग का आएगा यहाँ पर क्या इंडिया, चौथा आप लोग का यहाँ पर आएगा यूके, सॉरी यूके से पहले आपका आएगा रशिया, और फिफ्थ पर आपका आएगा यूके, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सीरीज पूरी आपकी रहेगी कि टॉप 5 में से सबसे पहले आता है यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूके। पूरी बात पढ़ लेते हैं, आगे डिटेलिंग ले लेते हैं। इंडिया रिमेन्स द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड थ्रू फार बिहाइंड द यूएस दैट स्पेंड्स मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द चाइना ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन द डिफेंस बजट। द टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रोज टू $1,981 बिलियन इन 2020 एंड इंक्रीज ऑफ 2.6% इन द रिलेटेड रियल टाइम 2019 बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है दोस्तों 4.4% से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लिविंग मून द लिविंग माउंटेन। तो दोस्तों यहाँ पर द लिविंग माउंटेन बोलकर जो बुक है इसके ऑथर कौन है ये बात आपको बतानी है। रविंद्र सिंह, अमिताभ घोष, सलमान रशीद, सीवी शर्मा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो बुक टाइटल द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ द आवर टाइम्स बाय अमिताभ घोष टू बी रिलीज्ड इन जनवरी 2022। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इस बुक को क्या किया है दोस्तों, लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पैंडेमिक नरेटिंग हाउ ह्यूमंस हैव सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड नेचर लीडिंग टू एन एनवायरमेंटल कोलैप्स। इस बुक को पब्लिश करने वाला जो हाउस है वो आपका हार्पर कॉलिंस रहेगा दोस्तों, पब्लिशर जो कि इंडिया के हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट वॉज पब्लिश साइमल्टेनियसली इज हिंदी एज एन ई बुक एंड ऑडियो बुक। दोस्तों इसके जो वर्जन है आपको इंग्लिश में, हिंदी में, ई बुक और ऑडियो बुक में भी मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी बात ध्यान रखनी है कि कौन सा ऑथर कौन से बुक को लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछेगा ये देखेंगे। नेम द ऑथर ऑफ द नोवल वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स जो ऑथर है दोस्तों वो बेसिकली जो नोवेल है वो उनके ऑथर कौन है ये बात आपसे पूछता है। ठीक है, तो झुंपा लहिरी, रस्किन बॉन्ड, इमरान खान, चेतन भगत। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज झुंपा लहिरी। तो झुंपा लहिरी इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑथर हो जाएंगी। ठीक है, झुंपा लहिरी यहाँ पर इनकी ऑथर हो जाएंगी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Renowned American author Jhumpa Lahiri has launched her own novel titled Whereabouts. The book is an English translation of the Italian novel Ias di Muovo, which was written by the author Jhumpa Lahiri itself and published in 2018. तो दोस्तों सिंपल सी बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या रहेगी कि Whereabouts बुक किसने लिखी गई है। तो Whereabouts बुक आपकी लिखी गई है किसके द्वारा, आपकी झुंपा लहिरी जी के द्वारा। ठीक है, द नोवल हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाय द ऑथर हरसेल्फ। द बुक इज अबाउट एन अननेम्ड फीमेल प्रोटैगोनिस्ट ऑन 45 ईयर्स एंड शी लुक्स हर लाइफ ग्लैंसिंग एंड साइडवेज बैक टू द फोर्थ क्रॉनिकल लाइफ रिलेशनशिप बर्डन ऑफ रिलेशन शॉर्ट एंड संकट चैप्टर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछेगा ये देखेंगे। दादुवन प्रतापधन गादवी
हु हैज पास्ड अवे एज वॉज अ रेनाउंड पोएट एंड सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज. उड़िया, गुजराती, मराठी, हिंदी. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उड़िया. तो दोस्तों उड़िया जाने माने रह चुके हैं आपके क्या ये ऑथर, उड़िया के जाने माने ऑथर यहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है. चीके? और इन्होंने किसके ऊपर लिखी है बुक, तो इन्होंने लिखी है गुजराती में, ये बात आपको ध्यान रखनी है. रेनाउंड गुजराती पोएट एंड फोक सिंगर दादूअन गादवी पासिस अवे एट द एज ऑफ 80. वेतन गुजराती पोएट एंड फोक सिंगर दादूअन प्रतापधन गादवी हैज पास्ड अवे एंड ही वाज 80 इयर्स ऑफ ओल्ड 80 इयर्स ऑफ एज. गादवी वाज नोन एज कवि दाद, ठीक है, एंड वो अवार्डेड पद्मश्री इन 2021 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर एंड एजुकेशन. बिसाइड ही हैड रिटन सॉन्ग्स इन 15 गुजराती फिल्म्स, राइट. 15 गुजराती फिल्म्स में इन्होंने सॉन्ग भी दोस्तों लिखे हैं. और इनके मरने पर, इनके मृत्यु पर दोस्तों, डिमाइस और ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. साथ ही साथ इनके मृत्यु पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दुख जताया है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. द वर्कर्स मेमोरियल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26, 22, 28, 20 अप्रैल. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 28 अप्रैल, ठीक है. पढ़ते हैं इसके बारे में. तो वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है. और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन सिंस 1996. आपको जो ध्यान रखनी है बात, वो रखनी है यहाँ पर इसकी थीम की. थीम आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है. थीम यहाँ पर आप लोग के लिए क्या रहेगी, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी. यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, राइट. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या पूछेगा ये देखेंगे. What is the theme of 2021 World Day for Safety and Health at Work? Health and safety is a fundamental worker's right. Prevent coronavirus with safe habits. Stop the pandemic. Safety and health at a work can save lives. Anticipate, prepare and respond to crisis. Invest now in resilient occupational safety and health systems. Here the correct option will be option number D. तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड सेव्ड आपका हेल्थ, जो सेफ्टी एंड हेल्थ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है आपका, 28 अप्रैल को. और बेसिकली जो ये जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है इसको हर साल 28 अप्रैल को. एंड इट इज टू प्रमोट द प्रिवेंशन एंड ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी एट अ वर्क प्लेस, राइट. तो यहाँ पर इसका जो थीम रहेगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. थीम आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आज के हमारे सेशन का रहेगा, विच टीम हैज बीटन टोटनहैम हॉटस्पुर इन द फाइनल इन लंदन टू विन लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट. मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, बार्सिलोना. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैनचेस्टर सिटी. तो दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने बेसिकली इस लीग को जीत लिया है जो फुटबॉल टूर्नामेंट से था. और दोस्तों इन्होंने फोर्थ टाइम, ठीक है, ये लीग को जीता है, ये बात ध्यान रखनी. इनर रो ये फोर्थ टाइम जीत रहे हैं. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो यहाँ से अपलोड हो या फिर कोई भी वीडियो हम यहाँ से डालें तो उसका सबसे पहले लिंक आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.